नमस्कार दोस्तों, जो हमारी टॉप 500 की केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो थे, उसे हम आगे प्रोसेस में करते हैं। हमने 100 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब हमारी ये नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम 100 से लेके 200 तक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। टॉप 500 है जो कि वनडे एग्जाम में आते रहते हैं। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, 100 तक कंप्लीट कर लिया, तो 101 से जो 101 क्वेश्चन है वो है गोबर गैस। गोबर गैस में मुख्य रूप से जो होता है वो होता है मिथेन। अब मिथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मिथेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये होता है CH4। क्या होता है? CH4। 102 क्वेश्चन, भारी जल। भारी जल जो होता है ये हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है, और इसका फॉर्मूले की बात करेंगे जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो फार्मूला होता है D2O। क्या होता है? D2O। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? पॉलीथीन का जो औद्योगिक होता है वो एथिलीन के कारण होता है। कौन से? एथिलीन के कारण। प्लास्टिक उद्योग में PVC शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? PVC की फुल फॉर्म, मतलब PVC स्टैंड क्या करता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या करता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड को करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 104 क्वेश्चन नंबर 105, विद्युत चुंबकों में कौन सी धातु काम आती है? तो नरम लोहा जो होता है वो काम आती है। किसके लिए? विद्युत चुंबकों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाली धातुओं का युग्म है। अब इसमें स्टेनलेस जो इस्पात होता है, इसमें क्या होता है? इसमें देखो, एक क्रोमियम होता है और इसमें इस्पात मिला हुआ होता है, तो क्रोमियम और इस्पात से स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है। लोहा 1 ग्राम परमाणु का अर्थ होता है, लोहा का 1 ग्राम परमाणु का जो अर्थ होता है 55.8 परमाणु द्रव्यमान इकाई। 55.8 परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो इसे जरूर ध्यान कर लेना। 55.8 परमाणु द्रव्यमान इकाई जो होता है लोहा के 1 परमाणु में स्थित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है उसमें किसकी संख्या का भिन्न होना? जो समस्थानिक होते हैं वो भिन्न जो होते हैं वो न्यूट्रॉन के कारण भिन्न होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है सल्फथियाजोल। क्या का नाम है? सल्फथियाजोल। ऊष्मा दाब से हमेशा के लिए विपरीत किया जा सकने वाला पदार्थ कहलाता है ताप शून्यम्य, जिसको कहते हैं थर्मोस्टेट। क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट, ताप शून्यम्य, थर्मोस्टेट। तो ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ होता है थर्मोस्टेट। आगे आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया जो कहलाती है। अब देखो, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की जो अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें से जो ऊष्मा निकलती है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम श्वसन जो करते हैं, श्वसन में ऊष्मा निकलती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हमारा श्वसन करना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 112, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है। वायुमंडलीय में सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो नाइट्रोजन मिलती है। ये कितनी परसेंट मिलती है? 78% मिलती है। किससे निरूपित करते हैं? N2 से निरूपित करते हैं। अच्छा, O2 की कितनी मात्रा मिलती है? O2 की 21% मिलती है, जो कि ऑक्सीजन है। उसके बाद क्या मिलती है? उसके बाद मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, किसके एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसके एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है। तो मर्फिन के कारण जो ना, मर्फिन एसिटिलीकरण के द्वारा हेरोइन बनाई जा सकती है। प्राकृतिक कवक नाशक का एक उदाहरण है ब्यूरोन। क्या है? ब्यूरोन। सबसे पुराना पीड़क नाशी है निकोटीन। अच्छा, निकोटीन, एक क्वेश्चन आता है तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो ये होता है
ये स्मोक टाइप में होता है, मतलब स्मोकिंग के लिए जो उसमें यूज करते हैं वो निकोटीन करते हैं। लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक हैं, एक एसीटोन है और एक मैथनॉल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 116 है क्वेश्चन नंबर, 117। रासायनिक रूप से इंसुलिन है, जो रासायनिक रूप से इंसुलिन है वो पेप्टॉइड होते हैं। क्या होते हैं? पेप्टॉइड। वे प्रक्रिया जिन्हें कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए काम में लाया जाने वाला प्रक्रम है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग एंड क्राउन ईथर का संश्लेषण। ठीक है। एल्यूमिनियम परक्लोरेट किस काम में आता है? ये संकर नोदक के काम में आता है। रासायनिक तौर पर जल है, देखो रासायनिक तौर पर अगर जल की बात करें तो ये एक ऑक्साइड है। कैसा है? एक ऑक्साइड है। क्वेश्चन 121। अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला एल्कोहल है वो है लॉरिल एल्कोहल। कौन सा? लॉरिल एल्कोहल। फ्लिंट यानी कांच में होता है, कांच में क्या मिलता है? लेड क्रोमेट होते हैं। अपवर्जन शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंध है? तो अपवर्जन पाउली से संबंधित है, तो डायरेक्टली ये कहा जाता है अपवर्जन पाउली के नाम से भी जाना जाता है। ये पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्राय यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो है प्रभाजी आसवन। कौन सी? प्रभाजी आसवन। क्वेश्चन नंबर 125। आम जीवाणुमय मरहम पट्टी में काम आने वाली पीला ठोस पदार्थ जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आयोडोफॉर्म। रासायनिक रूप से सफेद स्पिरिट है पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण। सोडियम को द्विअंगी यौगिक है सोडियम नाइट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127। सोडियम का द्विअंगी, क्या? द्विअंगी बाइनरी यौगिक है सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 128। अब ये क्वेश्चन जो देखिए, माइटोमाथिसिन नामक प्रतिजैविक किस रोग के कुछ विशेष प्रकारों के उपचार में काम आता है? तो ये कैंसर के उपचार में काम आता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने के कारण हाइड्रोजन आबंध। देखो हाइड्रोजन आबंध है, हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने का कारण है हाइड्रोजन आबंधन। मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की जो प्रक्रिया कहलाती है उस प्रक्रिया का नाम होता है प्रभाजी आसवन। ताम्र पिशाच जिसे कहते हैं कॉपर डेमोन नामक शब्द का प्रयोग किस धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए किया जाता है? वो पदार्थ है निकिल। कौन सा पदार्थ है? निकिल। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया जिसमें सोना को धोया जाता है, किसका मिश्रण है? HCl और NH3 यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NH3 नाइट्रिक अम्ल, दोनों के मिश्रण से एक्वारेजिया बनता है। एक्वारेजिया किस काम में आता है? ये सोना को गलाने के काम का आता है। सोना को कौन गलाता है? वो एक्वारेजिया गलाता है। ठीक है। ये 3:1 के रेशियो में होता है। इसको जो मिलाया जाता है वो किस रेशियो में मिलाया जाता है? वो 3:1 के रेशियो में मिलाया जाता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 है, साधारण विषमांक के रूप में और गर्भ निरोधक के घटक के रूप में काम आने वाला जो रसायन है वो कौन सा है? वो है पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा? पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। क्वेश्चन 134, बिटुमेनी कोयला से कॉक उत्पादन निम्न प्रक्रम से होता है? देखो बिटुमेनी कोयला से जो कॉक उत्पादन होता है कौन से प्रक्रम से होता है? वो होता है भंजन आसवन से। कौन सा? भंजन आसवन से। इंसुलिन नियंत्रण रखती है। अब इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय ग्रंथियों के बीटा कोशिकाओं में। रक्त, अब ये क्या काम करता है? ये करता है रक्त के शर्करा के स्तर को बनाए रखता है। रक्त के जो शर्करा होता है उसके स्तर को बनाने का काम करता है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 136, इंटरफेरॉल किस संदमन करता है? इंटरफेरॉन किसका संदमन करता है? वो विषाणु का संदमन करता है। किसका? विषाणु का। क्वेश्चन नंबर 137, महत्वपूर्ण हार्मोन जिसका नाम है सोमेस्टोटिन, सोमेस्टोटिन और सेमोट्रोपिन का औद्योगिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? वो करने जाता है पुनर्योगजन, जिसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। कौन सी द्वारा? पुनर्योगज यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा हार्मोन सोमेस्टोटिन एंड सोमेस्टोट्रोपिन
का औद्योगिक उत्पादन करा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 138 देखिए। कार्बनिक विश्लेषण संश्लेषण में उपयोग होने वाले एंजाइम मुख्यतः सूक्ष्म जैविक यानी माइक्रोबायल उस स्रोत से निकाले जाते हैं। चूना पत्थर खनिजों का मुख्य घटक कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा? चूना पत्थर कैल्शियम खनिजों का मुख्य जो घटक है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है CaCO3, CaCO3। अम्लीय विलयन का पीएच हो सकता है, ये होता है 3। 7 से जितने भी कम होते हैं वो होते हैं अम्लीय विलयन। 7 से ऊपर जो होंगे वो होंगे क्षार, और 7 पे जो होंगे वो होगा न्यूट्रॉन, जिसे कहते हैं लवण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 बोल रहा है कि किससे कैंसर होने की संभावना अधिक है? तो वो है तेल शोधक कारखाने, भारी जल, एक्सरे, रंजक व पेंट, जो जहां भी होंगे वहां पर कैंसर होने की संभावना ज्यादा होगी। प्रकाश रासायनिक धुंध कोहरा, जिसे कहते हैं स्मॉग, के उत्पादन में क्या क्या उपयोग, कौन कौन से पदार्थ उपयोग यानी हिस्सा लेते हैं? तो पर ऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट एंड ओजोन दोनों मिलकर उसी स्मॉग बनाते हैं। पेंट्रोसस्य, जिसे वो पेंट्रोक्रॉप कहते हैं, पौधों में क्या भरपूर होता है? ये होता है हाइड्रोकार्बन और प्रोटीन। कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा, जिसे कहते हैं टैक्सोल, किस पेड़ से निकाली जाती है? वो निकाली जाती है यू यू नाम का एक पेड़ है, उससे कैंसर के उपयोग में आने वाली जो दवाई है उसका नाम है टैक्सोस निकाली जाती है। आवर्त सारणी कि दीर्घ रूप किसके फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है? वो है परमाणु संख्या। कौन सी? परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 146, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की जो संयोजकता है वो क्या है? +3। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है? नाभिक में प्रोटोनों की जो संख्या होती है वो उसी तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के परमाणिक भार को किस में व्यक्त किया जा सकता है? वो AMU में व्यक्त किया जाता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया जाता था न्यूलैंड, किसने वर्गीकरण किया था? न्यूलैंड ने वर्गीकरण किया था। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 152, परमाणविक संख्या जेड एंड द्रव्यमान संख्या ए के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जेड। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है हेलोजन से। किससे? हेलोजन से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम में है। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो कहते हैं संभारिक। क्या कहते हैं? संभारिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 30 Si14, 31 P15 एंड 32 S15 क्या है? ये आइसोटोन्स है। अच्छा, आइसोटोन्स किस क्या होते हैं? जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अब देखो, 30 में से अगर 14 जाएंगे तो 30 में से 14 जाने पर क्या जाएगा? 16। 31 में से 15 जाएंगे तो यहाँ भी 16, और 32 में 16 जाएंगे तो यहाँ भी 16 बचेंगे। तो ऐसी संख्या जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं? आइसोटोन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, क्वेश्चन 57 कह रहा है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? वो है U235। हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबद्ध है, वो किसमें? टेट्राहेड्रॉन। थायोकोल रबर है, संश्लेषित रबर कहते हैं इसे। किस गैस से अंडे की गंध आती है? वो H2S, H2S। कार्बन का कौन सा अपरूप एक ठोस त्रियामी संरचना में प्राप्त होता है? वो डायमंड है। डायमंड त्रियामी संरचना में प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन नंबर 62, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है, यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का जो आयतन होगा वो कितना होगा? वो होगा 50 मिली। कितना होगा? 50 मिली होगा।
कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? वो ओजोन है। ओजोन ना सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है उनको अवशोषण कर लेता है। अच्छा, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है O3। क्या होता है? O3। क्वेश्चन 164। 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त किया जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी है? 80 किलोग्राम। प्रोड्यूसर गैस का ईंधन और नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में उपयोग में क्या प्रयोग किया जाता है? यह गैस प्राप्त की जाती है, यह गैस किससे प्राप्त की जाती है? कि भाप को उद्दीप्त कॉक पर प्रभावित करके हम प्रोड्यूसर गैस को उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करा जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करा जाता है। हाइड्रोजन गैस सामान्य तौर तैयार की जाती है तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस तैयार की जाती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? तो दो माइनस के 273 डिग्री पर ये शून्य आयतन घेरेंगी। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? बॉयल जो नियम होता है नियत तापमान पर। बॉयल का मतलब पता चल रहा, बॉयल बॉयल कैसा होगा? गर्म करने से। तो नियत तापमान जब होगा ना, तापमान जब कांस्टेंट होगा तो वो कांस्टेंट तापमान पर हमारा बॉयल का नियम लागू होता है। क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 170 देखिए। क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा किसकी जांच कर अनुमान किया जा सक जाता है? शीशा, उसमें शीशा कितना है वह कार्बन कण कितने निकल रहे हैं? दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है, दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं। सबसे पहले कौन से गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा सबसे पहले संकुचित हो जाएगा। 1 मोल बराबर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो 1 मोल बराबर होते हैं 6 गुणा 10 की पावर 23। कितना? 6 गुणा 10 की पावर 23। ये 6 गुणा कितना आई? 6 गुणा 10 की पावर 23। 1 मोल में इतने मोल होते हैं, ठीक है? 1 मोल बराबर इतना होता है। 173वां क्वेश्चन, NTP पर 44.8 लीटर CO2 मोलों की संख्या है कितनी? 2। एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम बढ़ता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अक्रिय गैस प्रयुक्त होती है। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी जाती है पारे की वाष्प और आर्गन। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? पारे की वाष्प और आर्गन। गैस वेल्डिंग में सामान्य प्रयुक्त लौह है उदासीन ऑक्सीकरण एंड कार्बोरक। कौन सी? उदासीन ऑक्सीकरण और कार्बोरक। क्वेश्चन नंबर 178, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अक्रिय गैस के में, बट हीलियम में तो 2 ही होते हैं, तो हीलियम अकेला ऐसा है जिसमें 2 होते हैं, बाकी सभी में क्या होते हैं? 8 होते हैं। कौन सी गैस चूने के पानी को सफेद बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा ठंडी हो जाएगी, और ये प्रक्रम जो होगा रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर होगा। किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो हीरा के जो जलना होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण को गर्म होना किसके कारण से होता है? ये इंफ्रारेड किरण जो होती हैं इनके कारण पृथ्वी जो होती है वो गर्म होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन गैसेज हैं वो उस रेज को वापस रिफ्रैक्ट नहीं होने देती हैं, वहीं के वहीं दबा देती हैं, तो जिससे पृथ्वी का वातावरण गर्म होता रहता है। किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का ना प्रयोग बेहोश करने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 184, किस गैस का प्रयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? तो वो है क्लोरीन। ज्यादातर पानियों को शुद्धिकरण करने के लिए उसमें क्लोरीन गैस मिला दी जाते हैं। अच्छा, ब्लीच में भी क्लोरीन ही होती है। तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, सभी अम्लों में कौन सा तत्व मिलता है? हाइड्रोजन तत्व मिलता है। अच्छा, क्षारों की बात करें, क्षारों में कौन सा मिलेगा? तो क्षारों में मिलेगा OH-। तो अगर कभी अम्ल की बात करें तो H+, और क्षारों की बात करें तो OH-। क्वेश्चन नंबर 186, सामान्य गैस समीकरण, असामान्य गैस समीकरण जो होता है वो क्या होता है? वो होता है PV बराबर NRT। PV बराबर NRT।
ठीक है। वायु की संघटक गैस सामान्यतः होती है, इसमें नाइट्रोजन सबसे मेन होता है जो कि 78% होगा, और ऑक्सीजन जो है वो कितना है 21% है, कितना 21%। एक क्वेश्चन नंबर 188, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। अब जो अम्ल वर्षा है ना वो सबसे ज्यादा जो होती है वो किसके कारण होती है, वो SO2 के कारण होती है। लाल तत्व कॉपर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है, तो ये जल गैस प्राप्त होती है। कभी भी लाल तप्त कॉपर पर अगर भाप प्रभावित करेंगे तो जल गैस प्राप्त होगी। जल की अस्थायी कठोरता क्या क्या कारण है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अस्थायी जो कठोरता होती है किसके कारण होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है। पानी की अस्थायी कठोरता किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है, बिना भुजा हुआ चूना। ये भुजा हुआ चूने के कारण CaOH2 का होल ट्वाइस, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होता है अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनता है, क्या बनती है, मिथेन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, मिथेन गैस बनती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ये होता है CaSO4 का CaSO4 N2 by 2 H2O। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, ये बनता है जिप्सम से, और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CaSO4 N2 2 H2O। जब इसको गर्म करा जाता है तो तब हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनती है। एक्वा रेजिया का मिश्रण है HCl और HNO3 का किस अनुपात में, 3:1 में। एक तत्व HCl3H2O5 और CA3H2 सूत्र वाले यौगिक बनाता है लेकिन HCl5 नहीं बनाता, कौन सा तत्व X होता है, तो ये N है। X की जगह क्या जाएगा, N आ जाएगा। DSLI के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है वो है फास्फोरस। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है, ये हाइड्रोजन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, क्या बनता है, एसिटिलीन बनता है, क्या बनता है, एसिटिलीन बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 200। तो अब देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, अब ये ऑक्साइड जो होता है उदासीन ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम 200 तक ही सीमित करते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 200 से लगभग 200-300 तक कर लेंगे। तो ये टॉप 500 की सीरीज चल रही है, देखो तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, और कमेंट जरूर कर देना कैसी लगी वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद साथियों।